सभी किसान बागवान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बबीता खाची घुमरे, PhD हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान, आज आपके सामने एक नई जानकारी के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनार के पौधों में तनाव। अनार के पौधों में तनाव आने के लिए दो तरह के कारक काम करते हैं, एक है आपका बायोटिक, एक है अबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग लाइफ, जो जिंदा है, जैसे कि आपकी बीमारियां हो गई, आपके कीट हो गए, उनकी वजह से जो तनाव पौधों में आता है वो बायोटिक होता है, वो बायोटिक फैक्टर्स की वजह से है। बायोटिक फैक्टर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, विल्ट हो गया, स्कैब हो गया, या फिर रॉट हो गया, या फिर जैसे इंसेक्ट्स में आपके मिलीबग हो गया, थ्रिप्स हो गया, शॉर्ट होल बोरर हो गया, स्टेम बोरर हो गया, ये आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि जिंदा है और आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरे जो आपके कारक है जो पौधों में तनाव पैदा करते हैं वो है एबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग। जो जिस तरह के वातावरण में हम पौधा तैयार करते हैं वो वातावरण कैसा है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, ड्रॉट, ठीक है, आपके या तो फ्लड कंडीशंस है या ड्रॉट कंडीशंस है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हम पौधों को ऐसा तो नहीं है कि घर के अंदर लेके आ रहे हैं, उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वो खुले खेत में ही है, वो वहीं रहेंगे, तो जिस तरह में वातावरण है, जिस तरह के वातावरण में वो रह रहे हैं तो वो वातावरण उसको अफेक्ट करता है। तो अगर वो वातावरण अनुकूलित नहीं है, उनके हिसाब से नहीं है, तो वो उनमें तनाव पैदा करेगा। तो आजकल हम देख रहे हैं टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है, 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है तो आपके पौधों में से पानी ज़्यादा एवेपोरेट हो रहा है, वाष्पीकरण बहुत हो रहा है, इवेपोट्रांसपिरेशन जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा हो रहा है। अब पौधा मिट्टी से जो है जड़ें पानी खींच रही है, लेकिन मिट्टी में उतनी मात्रा में पानी नहीं है तो पौधा तनाव में जाएगा। तो आपको करना क्या है कि या तो आप पौधों को मल्चिंग कर लो ताकि उससे जो है जड़ों के आसपास जो है नमी बनी रहे, मिट्टी से इवेपोरेशन लॉसेस कम हो और जो वाइट रूट है उसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे। दूसरा, आपको हफ्ते में एक बार खुला पानी देना है पौधों के बीच में से। तीसरा, अगर आप ड्रिपर से पानी दे रहे हैं तो आपको पानी थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए देना पड़ेगा। अगर आप 3 घंटे के लिए दे रहे थे तो आपको उसको 4 से 5 घंटे के लिए पानी छोड़ना पड़ेगा ताकि ज़्यादा रूट जोन को वो कवर कर सके और एवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस जो हो रहे हैं उसको वो रिकवर कर सके। उसके साथ साथ आप कुछ स्प्रेज कर सकते हैं जो आपके पौधे को तनाव से बाहर लाएंगे। कॉम्बीएफ का स्प्रे कर सकते हैं आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, एल्गमिड्स 2 ml/L में, रिलैक्सिल डाल सकते हैं 1.5 ग्राम/L में, चिलेटेड मैग्नीशियम का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप क्रॉप कवर लगा सकते हैं जो आपके क्रॉप को कवर करेगा, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आने देगा, थोड़ा सा टेम्परेचर को लो रखेगा और ट्रांसपिरेशन लॉसेस उसके कम होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचने के लिए इसे शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और अगर आपके प्लॉट में कोई क्रॉप स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसके आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारा ग्रेप मास्टर ऐप डाउनलोड करें और उसके थ्रू आप हमें क्वेरीज भेज सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आपको उसके आंसर्स मिलेंगे एक्सपर्ट के द्वारा। थैंक यू।